बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के रहस्य से अभी पर्दा पूरी तरह से नहीं उठा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि श्रीदेवी की मौत शराब पीने के बाद बाथटब में डूबने से हुई। अब दुबई पुलिस मौत की कड़ियां जोड़ने में जुटी है, क्योंकि शराब पीने से हुई मौत के बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। पुलिस श्रीदेवी के पति बोनी कपूर से पूछताछ कर सकती है, और यही वजह है कि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने में देरी हो रही है। दुबई में पोस्टमार्टम के बाद सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शराब के नशे में श्रीदेवी अपने बाथरूम के बाथ टब में गिरी और वहीं डूबकर उनकी मौत हो गई। सवाल ये है कि क्या श्रीदेवी किसी तनाव में थी कि उन्होंने इतनी शराब पी ली कि बाथ टब में गिर गई, और गिरी भी तो ऐसे कि डूब कर मर गई। क्या यह तनाव उनके स्टारडम खत्म होने का था या फिर परिवार से जुड़ा हुआ है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन मौत की वजह का जवाब श्रीदेवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिला है। इसे ध्यान से देखिए, नाम की जगह लिखा है श्रीदेवी बोनी कपूर अयप्पन, और मौत की वजह लिखी है दुर्घटनावश डूबने से हुई मौत। लेकिन इसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के जारी होने के बाद दुबई के स्थानीय मीडिया गल्फ न्यूज ने खुलासा किया है कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए, यानी मौत से पहले श्रीदेवी ने शराब पी थी और शराब के नशे में होटल के बाथरूम में श्रीदेवी गई थी, जहां उनका बैलेंस बिगड़ा और बाथटब में डूबकर श्रीदेवी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में श्रीदेवी के डूबने से मौत का खुलासा तो हो गया, लेकिन शरीर में शराब मिलने से मौत की वजह और भी पेचीदा हो जाती है। क्या श्रीदेवी हमेशा शराब पीती थी या वो किसी तनाव में थी जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा शराब पी? श्रीदेवी ने खुद शराब पी या किसी और ने उन्हें शराब पिलाई? बाथरूम के बाहर यानी होटल के कमरे में उस वक्त उनके पति बोनी कपूर मौजूद थे या नहीं? अगर होटल के कमरे में बोनी कपूर नहीं थे तो श्रीदेवी के डूबने के वक्त बोनी कपूर कहाँ थे? अगर होटल में बोनी कपूर मौजूद थे तो श्रीदेवी के गिरने का उन्हें पता क्यों नहीं लगा? क्या श्रीदेवी के बाथरूम में जाने से पहले उनका कोई विवाद हुआ? अगर श्रीदेवी लगातार शराब पीती थी तो इस बार ही उन्हें चक्कर क्यों आया? क्या श्रीदेवी ने ज्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो किसी तनाव से गुजर रही थी? श्रीदेवी को करीब से जानने वाले राज्यसभा सांसद अमर सिंह रिपोर्ट को खारिज करते हैं। अमर सिंह का दावा है कि श्रीदेवी शराब नहीं पीती। जहाँ तक श्रीदेवी जी के बारे में मुझे पता है, हार्ड लिकर का सेवन वो नहीं करते थे। मैंने कभी भी उनको विस्की, टकीला, ब्रांडी, इस तरह के हार्ड ड्रिंक जो स्नायु तंत्रों को बहुत प्रभावित करते हैं, उसका सेवन करते नहीं देखा। लेकिन विवाह शादियों में वाइन चलती और इसका सेवन बड़ी आम बात है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी ने श्रीदेवी को झूठ से या जबरन शराब पिलाई? अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मौत के समय श्रीदेवी के कमरे में कौन कौन था और किन हालातों में श्रीदेवी की मौत हुई है। जांच के दायरे में ये सवाल भी है कि शराब पीकर बाथरूम में जाने के बीच ऐसा क्या हुआ जिसका ताल्लुक उनकी एक्सीडेंटल मौत से जोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये घटनाक्रम हो रहा था उस दौरान श्रीदेवी के पति बोनी कपूर वहां थे या नहीं। और दुबई पुलिस अब मौत की सभी कड़ियां जोड़ रही है और श्रीदेवी फोन कॉल्स की भी जांच की जा रही है। अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि श्रीदेवी के साथ आखिरी वक्त में पति बोनी कपूर थे या नहीं। एक रिपोर्ट कहती है कि श्रीदेवी के साथ होटल में आखिरी वक्त में बोनी कपूर साथ थे, जबकि दूसरी रिपोर्ट कहती है कि श्रीदेवी को होटल स्टाफ ने कमरे में बेसुध हालत में देखा था। क्या है बोनी कपूर के श्रीदेवी के साथ
आखिरी वक्त में होने का सच ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यहां तक की कहानी में कोई संदेह, रहस्य या शक नहीं, लेकिन इसके बाद की कहानी सवालों में उलझी हुई। पहला रहस्य या ये कहें कि पहला सवाल ये कि श्रीदेवी के साथ आखिरी वक्त बोनी कपूर थे या नहीं। दुबई के अखबार खलीज टाइम्स और हिंदुस्तान की मशहूर वेबसाइट पिंक विला ने दो अलग अलग दावे किए हैं इस सवाल पर। खलीज टाइम्स के मुताबिक श्रीदेवी के साथ आखिरी वक्त में बोनी कपूर मौजूद थे। पिंक विला वेबसाइट की खबर है कि श्रीदेवी अंतिम लम्हे में होटल के कमरे में अकेली थी। अब हम बारी बारी से आपको दोनों दावे विस्तार से दिखाते हैं और उसके पीछे छिपे रहस्य को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। पहला दावा, श्रीदेवी के साथ आखिरी वक्त में बोनी कपूर मौजूद थे। पहले दावे के लिए आपको फिर दुबई के उस होटल के कमरे को ध्यान से देखना होगा। खलीज टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ही कमरे में श्रीदेवी को सरप्राइज देने बोनी कपूर पहुंचे थे। जब बोनी होटल के कमरे में पहुंचे तो श्रीदेवी सो रही थी। बोनी ने श्रीदेवी को जगाया। कमरे में दोनों के बीच करीब 15 मिनट बातचीत हुई। फिर बोनी ने श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर के लिए तैयार होने को कहा। अब यहाँ सवाल ये है कि बोनी कपूर किस बात का सरप्राइज देना चाहते थे। क्या सरप्राइज का रिश्ता पहले हुए किसी झगड़े की सुलह से था? डिनर डेट पर ही क्यों ले जाना चाहते थे श्रीदेवी को बोनी कपूर? यहाँ आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि दो दिनों तक श्रीदेवी अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो क्या फिर बोनी कपूर श्रीदेवी का मूड बदलने के लिए उन्हें बाहर डिनर पर ले जाना चाहते थे? खलीज टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि श्रीदेवी बाथरूम में तैयार होने चली गई, लेकिन 15 मिनट बाद भी जब वो नहीं लौटी तो बोनी ने दरवाजा खटखटाया। बाथरूम से कोई जवाब नहीं मिलने पर बोनी को फिक्र हुई। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो श्रीदेवी बाथटब में बेसुध पड़ी थी। ये वो बाथरूम तो नहीं है, लेकिन उसी होटल में बने कमरे का बाथरूम है जिसे हम आपको खबर को रिपोर्ट करने के लिए दिखा रहे हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को होश मिलाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब श्रीदेवी को होश नहीं आया तो बोनी कपूर ने अपने दोस्त को फोन किया और इसके बाद रात 9 बजे पुलिस को फोन किया गया। अब हम श्रीदेवी की मौत से जुड़े एक दूसरे रहस्यमय दावे की ओर चलते हैं। दूसरा दावा है कि श्रीदेवी के साथ आखिरी वक्त बोनी कपूर नहीं थे। भारत की वेबसाइट पिंक विला के मुताबिक जब श्रीदेवी ने आखिरी सांसें ली तब बोनी कपूर होटल के कमरे में नहीं थे। पिंक विला ने दुबई के एक अखबार के हवाले से लिखा है, रात 10:30 बजे श्रीदेवी ने रूम सर्विस को कॉल करके पानी मंगवाया। 15 मिनट बाद होटल का स्टाफ पानी लेकर कमरे के बाहर पहुंचा। जब डोरबेल बजाने पर श्रीदेवी ने दरवाजा नहीं खोला तो स्टाफ शोर मचाया। होटल के स्टाफ दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे तो श्रीदेवी बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी थी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की नब्ज चल रही थी। होटल का स्टाफ उन्हें राशिद अस्पताल लेकर गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अभी तक की जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी की मौत के वक्त होटल में बोनी कपूर थे या नहीं ये साफ नहीं है। श्रीदेवी की मौत का वक्त भी साफ नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि शाम 6 बजे के करीब श्रीदेवी की मौत हुई, जबकि दूसरी रिपोर्ट मौत का वक्त रात 11 बजे का था। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दुबई के बड़े मीडिया हाउस खलीज टाइम्स के कार्यकारी संपादक विक्की कपूर ने दावा किया है कि श्रीदेवी की मौत के वक्त कमरे में उनके पति बोनी कपूर मौजूद थे। बोनी कपूर की वहां पे मौजूदगी थी उस कमरे में। जब श्रीदेवी जी बाथरूम में गई तो बोनी कपूर जी बाहर कमरे में मौजूद थे। मिस्टर बोनी कपूर से स्टेटमेंट लिया जाएगा, उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं
वो सारा पेपर वर्क देखेंगे और उस पे अगर उन्हें कुछ भी अनटूवर्ड नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि ऑल द पेपर वर्क इज इन प्लेस, कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो अप्रूवल दे देंगे बॉडी को ले जाने के लिए। अगर उन्हें लगता है कि कुछ कहीं पे कुछ सवाल अभी भी रहते हैं तो ये प्रोसेस और लंबा हो सकता है। देखिए, जब तक अंतिम रिपोर्ट सामने उभर कर नहीं आता तभी सभी चीजों एक तरह से महज कयास ही मानी जाएगी। और अब यह दावा यह किया जा रहा है कि बोनी कपूर दुबई के होटल में उस वक्त थे, लेकिन पत्नी को छोड़कर बोनी कपूर दुबई से भारत क्यों लौटे और श्रीदेवी दुबई में क्यों रुकी थी, इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए। फरवरी 2018 को बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ भांजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने गए थे। 20 फरवरी को दुबई से 100 किलोमीटर दूर रस अल खैमा में शादी हुई और 21 फरवरी को बोनी दुबई से वापस मुंबई लौटा। 21 फरवरी को ही मोहित मारवा का परिवार और बाकी मेहमान भी मुंबई लौट आए थे, लेकिन श्रीदेवी दुबई के अपने होटल के कमरे में रुकी थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब पत्नी श्रीदेवी दुबई रुकी तो पति बोनी कपूर भारत क्यों वापस आए, तो श्रीदेवी आखिर क्यों दुबई में रुकी रही। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक श्रीदेवी दुबई में अपनी पेंटिंग्स के एक ऑक्शन के लिए रुकी थी। ये पेंटिंग अभिनेत्री सोनम कपूर की है जिसे रिश्ते में उनकी चाची श्रीदेवी ने खुद बनाया था। सांवरिया फिल्म में सोनम कपूर के पोज को श्रीदेवी ने हूबहू कैनवास पर उतार दिया था। इस पेंटिंग को नीलाम किया जाना था जिसकी कीमत 10 लाख रुपए रखी गई थी। पेंटिंग की नीलामी से मिलने वाली रकम को दान में दिया जाना था। अभी तक के दावे में दो बातें साफ होती हैं। दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए बोनी कपूर भारत लौटे, जबकि पेंटिंग की नीलामी के लिए श्रीदेवी दुबई में रुकी रही। लेकिन जिस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला वो ये कि श्रीदेवी ने मौत की रात शराब क्यों पी और उस वक्त बोनी कपूर उनके साथ थे या नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।